इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हेन द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज दैट ए सर्टेन सम ऑफ मनी वुड बी पेबल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच पेमेंट ऑफ डैमेज इज कॉल्ड। जब कोई भी दो पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और उस समय साइन करती है कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करती है तो उसे इतने रुपये का जो कंपनसेशन है वह देना पड़ेगा, तो उस कंपनसेशन को यानी उस डैमेज को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ए लिक्विडेटेड डैमेज, ऑप्शन बी अनलिक्विडेटेड डैमेज, ऑप्शन सी पेनल्टी, ऑप्शन डी स्पेशल डैमेज। इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि लिक्विडेटेड डैमेज। अगर कोई पार्टी निर्धारित किए गए समय पर अपनी परफॉर्मेंस ना दे, ठीक है, तो उस समय उसके ऊपर जो कंपनसेशन लगाया जाता है उसे लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि अनलिक्विडेटेड डैमेज। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के कारण किसी पार्टी को नुकसान होता है या इंजरी होती है, उसके आधार पर कोर्ट के द्वारा लगाया गया जो कंपनसेशन होता है उसे हम अनलिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा है पेनल्टी। जब तय की गई राशि वास्तविक नुकसान से ज़्यादा हो, स्पेशल डैमेज आता है ऑप्शन डी। जितने पैसे या फिर जिस चीज़ का नुकसान हुआ है उतने का नुकसान उसका भर देना, यानी कि जितना नुकसान हुआ यानी 1000 रुपये का नुकसान हुआ तो 1000 रुपये ही उसके भर देना, उसे हम स्पेशल डैमेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, अंडर सेक्शन 74 द कोर्ट कैन नॉट अवार्ड डैमेज, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो राशि निर्धारित हुई थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट विफल हो जाता है तो आप मुझे 1000 रुपये ही दोगे, तो उससे ज़्यादा कोर्ट क्या है डैमेज अवार्ड नहीं कर सकता है किसी भी पार्टी को सेक्शन 74 के अनुसार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इक्वल टू द अमाउंट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी लेस देन द अमाउंट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी मोर देन द अमाउंट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी यानी मोर देन द अमाउंट स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट की उससे ज़्यादा पैसे नहीं देगा जितने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर निर्धारित हुआ था, यानी 1000 रुपये के लिए निर्धारित हुआ था कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को सही टाइम पे परफॉर्म नहीं करते हो तो आप 1000 रुपये दोगे, तो वह पार्टी दूसरी पार्टी है वह 1000 रुपये देने के लिए ही लाइबल हो गई, उसे उससे ज़्यादा अवार्ड नहीं किया जा सकता सेक्शन 74 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर थ्री, When there is a breach of contract, special damages are awarded. जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो उसके अंदर स्पेशल डैमेज दिया जाता है, तो वह किन केसेस के अंदर स्पेशल डैमेज दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा है इन ऑल केसेस, सभी केस के अंदर स्पेशल डैमेज दिया जाता है, या फिर ऑप्शन बी ओनली वैन देर आर स्पेशल सर्कमटांसेज, यानी कि उन केसेस के अंदर जहाँ पर कोई स्पेशल विशेष परिस्थिति अराइज हो रही हो उन केस के अंदर ऐसा स्पेशल डैमेज अवार्ड किया जाता है। ऑप्शन सी ओनली व्हेन देयर इज ए स्पेशल लॉस, या फिर उन केसेस के अंदर जहां पर किसी को विशेष प्रकार का लॉस हुआ हो। ऑप्शन डी ओनली व्हेन देयर इज ए नोटिस ऑफ द लाइकली स्पेशल लॉस, या फिर तब कि लगे इस केस के अंदर तो उस व्यक्ति को स्पेशल यानी कि विशेष प्रकार का नुकसान होने की संभावना हो या नुकसान हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी ओनली व्हेन देयर इज ए नोटिस ऑफ द लाइकली स्पेशल लॉस, जब किसी भी स्पेशल लॉस होने की संभावना होती है तब उन केसेस के अंदर कोर्ट के द्वारा स्पेशल डैमेज अवार्ड किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर, ए स्टिपुलेशन फॉर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, अगर कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उस डेट के अनुसार जो इंटरेस्ट इंक्रीज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा हमारा डैमेज, क्या हम उसे एक नुकसान बोलते हैं, या फिर ऑप्शन बी कंपनसेशन नुकसान की भरपाई करवाना, क्या हम उसे नुकसान की भरपाई करवाना बोलते हैं, या फिर ऑप्शन सी पेनल्टी, क्या फिर उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज वह डैमेज होता है जब किसी व्यक्ति को प्रीनिर्धारित नुकसान के लिए बता दिया जाता है कि अगर आपने यह कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो आप मुझे इतनी राशि देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे तो। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि पेनल्टी, उस व्यक्ति के ऊपर वह जुर्माना लगाया जाता है अगर वह कोई डिफॉल्ट कर देता है तो। क्वेश्चन नंबर फाइव, एजेंट एंड प्रिंसिपल आर डिफाइंड इन, एजेंट एंड प्रिंसिपल किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसके ऑप्शन ए सेक्शन 181 के अंदर डिफाइन किया गया है एजेंट एंड प्रिंसिपल को, या ऑप्शन बी सेक्शन 182 के अंदर, या ऑप्शन सी सेक्शन 183 के अंदर, या ऑप्शन डी सेक्शन
186 के अंदर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि एजेंट एंड प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 182 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183 हु मे एम्प्लॉय एजेंट, सेक्शन 183 के अनुसार कौन एम्प्लॉय एक एजेंट हो सकता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा पर्सन ऑफ साउंड माइंड, जो व्यक्ति साउंड माइंड यानी दिमागी तौर पर ठीक है यानी कि पागल नहीं है, या फिर ऑप्शन बी पर्सन ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी, या फिर वह व्यक्ति जो अपनी एज ऑफ मेजोरिटी लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुका है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों ही, ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। वह व्यक्ति जो साउंड माइंड है यानी कि दिमागी तौर पर पागल नहीं है, वह भी एक एम्प्लॉय एजेंट हो सकता है, या फिर जिस व्यक्ति ने अपनी एज ऑफ मेजोरिटी लॉ के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली है, वह व्यक्ति भी एक एम्प्लॉय एजेंट हो सकता है। एजेंसी में भी क्रिएटेड, एजेंसी कैसे बनाई जा सकती है या फिर एजेंसी कैसे बन सकती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए बाय एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट, यानी कि जब कोई भी व्यक्ति या तो रिटर्न में या फिर ओरली किसी भी व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त कर लेता है, तो दोनों के बीच में एक एजेंसी बनाई जा सकती है, या फिर तब जब डायरेक्टली उसे नियुक्त नहीं किया जाए लेकिन उसकी नियुक्ति की परिस्थितियों का अनुमान लगाया जा सकता है, तब भी एक एजेंसी बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं हम। इसका बाय कंडक्ट और सिचुएशन ऑफ द पार्टीज, पार्टियों के व्यवहार या आचरण की स्थिति के अनुसार। तो ऑप्शन सी देख लेते हैं इसका, बाय सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन ऑफ एन अनऑथराइज्ड एक्ट। इसका मतलब जहाँ पर एक व्यक्ति अपने बिहाव पर किसी दूसरे के लिए कोई कार्य कर देता है उसकी बिना नॉलेज के और बिना उसकी अथॉरिटी के, पर बाद में अगर वह व्यक्ति सेम उसी तरह रिएक्ट करता है और उसको परफॉर्म कर देता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक एजेंसी बनाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ एन अनऑथराइज्ड एक्ट इज मेंशन्ड इन, किस सेक्शन के अंदर दिया गया है रेटिफिकेशन के बारे में। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका हम। ऑप्शन ए सेक्शन 195 के अंदर, ऑप्शन बी सेक्शन 196 के अंदर, या फिर ऑप्शन सी सेक्शन 197 के अंदर, या फिर ऑप्शन डी सेक्शन 200 के अंदर। सेक्शन 196 के अंदर इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ एन अनऑथराइज्ड एक्ट मेंशन किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ द एजेंट, एक एजेंट की कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, उचित देखभाल करना, सभी चीज़ों की जानकारी होना। ऑप्शन बी ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, यानी कि अकाउंट को मैनेज करना, मेंटेन करके रखना सभी अकाउंट्स को। ऑप्शन सी ड्यूटी नॉट टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह बिना परमिशन के बिजनेस के अंदर से ही अपना कमीशन बना रहा है या फिर अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, या फिर ये तीनों ही ड्यूटी होगी एक एजेंट की। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी की सभी ड्यूटी होगी एक एजेंट की। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट्स अवेलेबल टू एन एजेंट, एजेंट को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए राइट टू रिम्यूनरेशन, यानी कि पारिश्रमिक का अधिकार, एक तरह से हम सैलरी कह सकते हैं, वो अलग बात है कि एजेंट किस ब्याह पे काम कर रहा है, शेयर्स में कर रहा है या फिर कमीशन पे काम कर रहा है। तो ऑप्शन बी देख लेते हैं इसका, राइट टू रिटेनर, यानी कि कोई भी ऐसी फीस या फिर कोई भी रकम व्यवसाय के संचालक के रूप में वह यूज कर सकता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम ऑप्शन सी राइट टू लाइन। एक एजेंट का भी अधिकार होता है कि वह जो कंपनी के कागज पत्र या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है, मूवेबल है या फिर इमूवेबल है, उसकी देखभाल करें। अगर कंपनी का या एजेंसी का दिवालिया निकल जाता है तो एजेंट का राइट बनता है कि वह जो प्रिंसिपल को है ना पूरी बात समझा दे और हर चीज के बारे में बता दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं जिससे उनको भी अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो चलते हैं, थैंक यू।